વેલકમ બેક. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે દેશના યુવાઓને સંબોધન કર્યું અને તેમણે સ્વામી વિવેકાનંદજીના આદર્શને અપનાવવાની વાત કરી. સાથે જ તેમણે સ્વચ્છતાને લઈને ભાર મૂક્યો અને દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ પર યુવાઓ સંકલ્પ લે તેવી પણ વાત કરી. વંદે માતરમ કહેને કા હક હૈ ક્યા? करके उस भारत मां पर पिचकारी मारे और फिर वंदे मातरम बोले? हम बोलो सारा पूरा कचरा भारत मां पर फेंके और फिर वंदे मातरम बोले? वंदे मातरम बोलने का विवेकानंद दुनिया के सामने कह दिया था. हमारा हमारी परंपरा कोई किचन की परंपरा नहीं है. क्या खाना क्या नहीं खाना ये मेरे देश का सांस्कृतिक परंपरा नहीं है. वो तो हमारी व्यवस्थाओं का हिस्सा होगा. हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था अलग है. आत्मवत सर्वरूप भूतेषु ये हमारी सोच है. मैं करूं तो फैल जाऊं तो दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्त. जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों. जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी. किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी. जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में नदी में समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है. स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे.